हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, NTU UGC नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए अनअकैडमी रिवीजन बैचेस लाया है, रिवीजन थ्रू PYQs। इसमें जैसे आप देख सकते हो पेपर वन एंड कंप्यूटर साइंस के लिए बैच मिलेगा आपको। ये बैच आपका 14 अप्रैल से जो है ये बैच स्टार्ट है। और इसी तरीके आपका मैनेजमेंट का रिवीजन थ्रू PYQs का है, ये भी आपका 14 अप्रैल से बैच स्टार्ट है। रिवीजन थ्रू PYQs पेपर वन एंड सोशोलॉजी का बैच, ये भी आपका 14 अप्रैल से ही स्टार्ट है। तो ये सारे बैचेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाके बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये टाइम है कि आप अपनी NTU UGC नेट की प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे से कर सकें, कंप्लीट कोर्सेज आपको मिल सकें जो कि आपके 1 मई से लाइव हो रहे हैं। तो आप अपना अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है वो अभी ले सकते हैं, एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में मेरी स्पेशल क्लासेस की लिंक भी जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरी स्पेशल क्लासेस जो है वो आपको अनअकैडमी NTU UGC नेट के टैगरी में मिलती हैं, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो गाइस लेट मत कीजिए, सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। और अपना कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, प्लस या आइकॉनिक का, जो भी आपको सही लगे। बस आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना होगा शिक्षा10, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज के हमारी वीडियो में हम लोग जियोग्राफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इंडोनेशिया की लदान कृषि प्रणाली किस प्रकार की खेती है। जो लदान खेती है ये किस प्रकार की खेती, कौन सा टाइप है ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, रोपाई, स्थानांतर कृषि, मिश्रित कृषि यानी मिश्रित खेती, या फिर बागवानी। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थानांतरण कृषि, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन है लदांग, ठीक है। इसमें है क्या कि एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह जो है फिर खेती की जाती है, तो ये है आपकी शिफ्टिंग कृषि, ठीक है। उसके अलावा बागवानी, मिश्रित खेती, रोपाई आपके सब अलग चीज़ें होती है। चलिए देख लीजिए इसके बारे में, ये स्थानांतरण कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। इसे मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, मध्य अफ्रीका में मसोले कहते हैं, और वियतनाम में रे कहा जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सी नदी पे है, रावी, सतलुज, झेलम, सिंधु, ठीक है। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, देखिए रणजीत सागर बांध जो है उसको हम लोग थीन डैम भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में है नहीं, इसको हम कौन सा डैम बोलते हैं, थीन डैम भी बोलते हैं। ये आपका रावी नदी पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है, रावी नदी पर स्थित है ये परियोजना, ठीक है। उसके बाद चलिए देख लीजिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को फाइव ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो भी कहा जाता है। फाइव ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो, लोहोत्से, गॉडविनोस्टिन, कंचनजंगा या फिर धौलागिरी। तो आपका राइट हो जाएगा, फाइव ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कंचनजंगा को कहा जाता है, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हाँ, इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए, कंचनजंगा जो है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, पर्वत नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है, ठीक। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बनिहाल दर्रा जो है वो भारत के पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है। बनिहाल दर्रा के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए डिटेल में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, 2,832 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है, ठीक है। कोयर उद्योग जो है ये कोयर जो आपका नारियल का कोयर होता है उसको एकत्रित किया जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी डिटेल में, यह उद्योग से नारियल पर निर्भर है। केरल विश्व के कुल उत्पादन का 60% सफ़ेद कोयर का उत्पादन करता है, ठीक है। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा केरला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में, देख लीजिए सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर। तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, देख लीजिए।
नामचिक नामफू कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक पूछा गया है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपको कोई दिया नहीं है कि किसका पूछा गया, तो ये आपको वर्ल्ड का पूछा गया है, तो वर्ल्ड के लिए नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। अगर आपसे इंडिया का पूछा जाता तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हो जाते, और अगर आपसे श्वेत क्रांति का पूछा जाता इंडिया में तो वर्गीज कुरियन हो जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ आपसे वर्ल्ड की बात की गई है तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के पिता देख लीजिए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को भारत में सफेद क्रांति का पिता कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या सिड्राइट? तो मैग्नेटाइट जो लोहा है वो लौह तत्व मात्रा के आधार पर सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद जितने लिखे हैं उनका क्रम ऐसे ही है, मतलब सबसे अच्छा मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट और लास्ट में आपका सिड्राइट। इसके बारे में देख लीजिए, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट और फिर लिमोनाइट और सिडराइट की गुणवत्ता थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें सबसे बढ़िया लोहे की जिसमें आयरन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्विज देखे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।